वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो कि तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट क्लास 12th चैप्टर नंबर 12th का ही पार्ट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता रहा है, तो हम इसके अंदर जितने भी डायग्नोसिस टेक्निक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके प्रिंसिपल्स और मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको अपने नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए नीट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए। तो देखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, कोई भी डिसीज़ जब होती है तो उसको क्या सिम्टम आने से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, वही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो एंटीजन, एंटीबॉडी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये सब इस टॉपिक में आएंगे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि प्रोब की डेफिनेशन के लिए, तो सिंगल, ये देखो यहाँ ब्रैकेट में प्रोब लिखा हुआ है, ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब। तो ये डेफिनेशन यहाँ से पूछी गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ रखा है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथो फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई भी डिसीज है तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाएगी तो बंदे को बीमारी क्यों होगी, ये चीज़ हो गई। तो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, सीरम और यूरिन, तो सीरम और यूरिन से हम सब कुछ पता नहीं कर सकते, तो कन्वेंशनल अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, कन्वेंशनल वाले से अर्ली डिटेक्शन हो नहीं पाएगी। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या क्या आया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, इसकी वीडियो बन चुकी है, इसको एक बार देख लें, एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइसा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेक्निक है एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस फॉर अर्ली डायग्नोसिस। तो ये तीनों टेक्निक आपको ध्यान रखनी है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, एक पीसीआर है, एक एलाइसा है। तो प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या अगर कोई और भी हो, प्रायोन्स भी हो चाहे कोई भी हो, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिसीज सिम्टम। तो हम यूजुअली, हमारे दिमाग में होता है कि जब सिम्टम आएंगे तब डिसीज हुई है, तब तक तो बैक्टीरिया की कंसनट्रेशन या पैथोजन की कंसनट्रेशन इतनी हो गई होगी कि हटाए नहीं हटेंगी, तो इसलिए उसका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। जब तक सिम्टम आएंगे भैया, तब तो समझ लो कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी होगी, तभी तो सिम्टम आ रहे हैं ना। तो हावेवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस एट ए टाइम व्हेन सिम्टम ऑफ द डिसीज आर नॉट येट विजिबल कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड्स बाय पीसीआर। तभी हम कहते हैं कि द रोल ऑफ पीसीआर इन डिटेक्टिंग द डिसीज और इन चेकिंग द डिसीज एट अर्ली स्टेज। पीसीआर का बहुत बड़ा रोल है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। तो देखो, पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। अब क्वेश्चन यहीं से बन गया। अब देखो, हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को कि एड्स में पीसीआर यूज कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, एनसीईआरटी लिख रही है तो रामबाण होगी, कर सकते हैं बिल्कुल। तो पीसीआर से क्या होगा कि एचआईवी का जो स्पेसिफिक आरएनए है उसका हम सीडीएनए बनाएंगे और सीडीएनए को एम्पलीफाई करके हम चेक कर लेंगे, तो उससे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वायरस पता लग जाएगा। तो इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स, एक पीसीआर का फंक्शन ये भी आ रहा है कि भैया डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू। तो एक ये आ गया भैया डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन। तो इट इज ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर में भी, जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्शन में भी पीसीआर का रोल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, हालांकि क्वेश्चन कम आए हैं इससे, लेकिन आने की संभावना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। तो ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल
इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ये प्रोब हो गया तुम्हारा, जब उसको हम क्या कर रहे हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या आरएनए है, तो उसको हमने किससे टैग कर दिया है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। तो इसको हम कर रहे हैं हाइब्रिडाइज, किससे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड कराएंगे इन ए क्लोन ऑफ सेल्स, फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी में हम उसकी मदद से डिटेक्ट करते हैं कि स्पेसिफिक फिल्म होती है, फिल्म के ऊपर इम्प्रेशंस आ जाते हैं, उसके मदद से हम डिटेक्ट करते हैं। तो आई थिंक सिल्वर की कुछ होती है तुम्हारी फिल्म, सिल्वर नाइट्रेट या ऐसे ही कुछ चीज़ है जिसके थ्रू हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। तो द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, क्या कह रहे हैं, द क्लोन जिसके पास की म्यूटेटेड जीन होगा विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जिसके पास म्यूटेटेड जीन है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं आएगी, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। तो जिस सेल्स में अगर म्यूटेशन हुई होगी तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं आएगी, तो हम वहाँ से डिटेक्ट करेंगे। तो देख रहे हो भैया, डिटेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब अगली टेक्निक आ रही है भैया एलाइसा। तो एलाइसा जो है इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया तुम्हारा कि प्रिंसिपल क्या है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। देखो, अब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। या तो उस वायरस को ही डिटेक्ट कर लो डायरेक्ट, या तो जो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उस वायरस के अगेंस्ट में उसको डिटेक्ट कर लो। तो दोनों तरीके हैं, तो दोनों तरीके से इसको हम एलाइसा को कंडक्ट करा सकते हैं। तो एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे या फिर डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। एचआईवी के केस में ये वाला मेथड यूज करते हैं हम। एचआईवी में यूजुअली मोस्ट कॉमनली वायरस की जगह हम एंटीबॉडी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एंटीबॉडी बनी है अगर एचआईवी के अगेंस्ट में, तो हम एचआईवी को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एचआईवी वाले केस में बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है ये डिटेक्ट करने का। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला चैप्टर वाला टॉपिक तुम्हारा ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आ रहा है तो इसको भी बड़ा ही ध्यान देना है, और ये जो पॉइंट बताए गए हैं इसको तुम्हें ध्यान रखना है। तो चार नंबर तुम्हारे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कवर हुए।